बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की चर्चा प्रारंभ होत है सुनो साथ चीत दे भजो श्यामा श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमाराय सखी जीवन हमारा श्री महामती कहे ए मो मीनो तुम सुनियो चीत दे लाल आगे आए बैठे ना तखत लाल आगे आए ना बैठे इना तखत प्रीतम मेरे प्राण के आत्म के आधार शर्वशोभा देने योग्य हो श्रीलीलाहारीलीलाहार बोले श्री प्राणनाथ प्यारे श्री सतगुरु महाराज आत्म संबंधी धाम धनी के प्यारे एवं लाडले जी, आज लाडलेश् तक साहिब चर्चा का अंतिम दिन समाप्ति की ओर हम जा रहे हैं उससे पूर्व कल के अंतिम चर्चा में हमने आठ जो हमारे ब्रह्मात्माओं ने जो हमारे सुंदर साथ ने श्री जी की अपने आत्मा के प्राण प्रियतम प्राणवल्लभ मानकर अष्टपहर दिन चौसठ अघड़िया जो सेवा की धाम धनी को रिझाया ये आठ पहर में सेवा का भाव ये कल के प्रसंग में पूर्ण हुआ और आज के प्रसंग में सबसे पहले 36 विभागों में जो अलग अलग सेवा बांट गई बटी गई उस सेवा में कौन कौन सेवा में सुंदर साथ थे वो अंतिम वाला ये प्रकरण और एक गर्मी की सेवा सर्दी की ऋतु की सेवा तो अष्टपौर के प्रथम प्रकरण में ही आ गई और गर्मी की ऋतु की सेवा हम आज अंतिम सुनेंगे और पहले हम थोड़े भावों को समझेंगे सुंदर साज जी तारीफ़ महमद मेहंदी की ऐसी सुनी न कोई क्याए कहीं ब्रह्मांड हुए कहीं हो ऐसी लेकिन किन ब्रह्मांडो ना है काल से अखंड परमधाम में स्वलीला अद्वैत भूमिका में हमारी दिव्य प्रेम की लीला चलती आ रही है और अनादिकाल तक ये दिव्य प्रेम की लीला चलती रहेगी ये सृष्टि बनाने का क्यों कारण बना किसके लिए ये सृष्टि बनी ये सब बातों को लेकर कल के प्रसंग में हमने अंतिम आठवें पहोर की अंतिम चौपाइयों में देखा कि काल से मैंने अभी बताया कि परमधाम की दिव्य प्रेम की आनंद की लीला तो चलती तो आ रही थी लेकिन यह सृष्टि का कारण क्यों बना कितने दिन की यह लीला हुई कितना कितने ब्रह्मांड और कितने दिन कितने ब्रह्मांड और कितनी लीला तो हमारी सात दिन की लीला छः दिन की इस ब्रह्मांड में सातवें दिन में योग माया ब्रह्मांड में ये लीला अखंड होगी जीवों की जो मुक्ति अपने न्याय के अनुसार होगी और चार लीला अब जाग देखो सुख जागनी ये सुख सुहागिन जोग तीन लीला चौथी घर की चारों का याम भोग सबसे पहली की लीला ब्रज की दूसरी रास की तीसरी जागनी की जो सतगुरु धनी देवचंद्र जी के टाइम पे हुई और चौथी जागनी रास की जिसमें दूसरे जामे में पाँचवें दिन में श्री मिराज ठाकुर के तन महामती के धाम दिल में स्वयं प्राणनाथ श्री जी विराजमान योग होकर युगल स्वरूप विराजमान होकर जो हमारी लीला चली और तीन ब्रह्मांड ब्रज रास और जागनी के ये तीन ब्रह्मांड की लीला चार लीला और सात दिन तो कल पहर में हमने अंतिम चौपाइयों में सुना कि धाम धनी अनादिकाल से चलती आ रही दिव्य परमधाम की लीला में रोज वहाँ कोई समय की मर्यादा नहीं है वहाँ कोई समय से बंधे हुए कोई भी काल घंटे या मिनट या सेकंड पर कोई कुछ नहीं है वहाँ वहाँ तो हम जब भी चाहे तब भी वही समय है। एक ही पल वहाँ नहीं बीती है सुंदर साहद जी तो यहाँ की लीला के अनुसार इस ब्रह्मांड की अष्टपोर की लीला के, के अनुसार धामधनी दोपहर के बाद तीन बजे रोज पूछते थे कि सखिया आज किस घाट पर जाना है चलिए हम तब हम सब सखिया बोलती थी कि हे धाम धनी आज तो ये पाट के घाट जाना है या हौज कोसर की लीला में जाना है या मानिक पहाड़ की लीला में जाना है या पुखराज की रोज़ अलग अलग पक्षों की हमारी लीला रहती थी जो हमारे दिव्य परम धाम में पच्चीस पक्ष में जो लीला विहार की जो लीला स्थली बनी है वहाँ हम रोज जाते थे और इतनी प्रेममयी और जो आनंदमय लीला होती थी और आगे बताया कि लीला के बाद जब शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की लीला यहाँ के हिसाब के अनुसार परमधाम में कुछ नहीं है शुक्ल पक्ष में वहीं एक घड़ी में जिन्ना और एक घड़ी में श्रृंगार होता था और हम सीधे ही नौ बजे आके हम रंग परवाली मंदिर हमारा जो रंग माहौल दस नवभोम और जो दसवीं आकाशी वाला रंग माहौल बना है उसमें पाँचवीं भूमिका पाँचवीं भूमिका में हम आके सीधे ही सयन करते थे लेकिन जब कृष्ण पक्षी लीला होती थी तब हम शाम को छः बजे आ जाते थे एक घड़ी में जीर्णा एक घड़ी में श्रृंगार सवा पाँच बजे से छः बजे के बीच में ये सब लीला पूर्ण हो जाती थी हम रंग महौल में आ जाते थे साढ़ा सात बजे तक भोजन आदि सब लीलाएँ चलती थी अट्ठाईस थम के चौक में भी ये सोप चोबा देते हैं ऐसी 28 थम के चौक में बाहर के धाम चबूतरे या धाम चौक में लीलाएँ चलती थी या सीढ़िया पे लीला चलती थी या अंदर रंग माहौल में भी कई लीलाएँ चलती थी साढ़ा सात बजे के बाद हम जब चौथी बोम की चौथी चौरस हवेली में नीरत की जो हवेली बनी है किसकी बनी है नीरत की हवेली में नीरत की लीला होती थी और उसके बाद नौ बजे शयन की लीला होती थी लेकिन कहने का भाव यही है कि अंतिम आठवें नंबर के पहर में अंतिम क्या बताया कि ऐसी तो क्या घटना घटी परमधाम में कि इस खेल में आना हुआ ये सात दिन की लीला हुई और ये जो बित्तक आज हम एक महीने से सुनते आ रहे ये बीतक क्या है विरोध सारा विश्व का भाग सी इन बीतक सबको पहचान वो ही पहुँचे कदमोहक ये बीतक क्या है ये बीतक कोई मानवीय इतिहास नहीं है ये बीतक कोई अवतारों की कथा नहीं है कोई भगवान अवतार महापुरुष या संत मनीषी की कोई कथा चर्चा नहीं है ये बीतक हमारा है ये सब घटनाक्रम हमारी प्रेम और आनंद से परिपूर्ण लीलाओं का ये घटनाक्रम है जो आज हम एक महीने से सुनते आ रहे हैं ये ये बीतक की बात जब पन्ना जी की लीला आई तब छत्रसाल जी महाराज से कुरान छिपा रखा था अब तक कुरान की बात नहीं बताई थी जब एक दिन बंगले में कुरान पर चर्चा चल रही है तब अचानक एक दिन छत्रसाल को आना हुआ तो छत्रसाल ने पूछा कि क्या चल रहा है बंगला जी में तब लालदा ने इशारे से बताया कि श्री जी में लाल ने बताया कि छत्रसाल मैं श्री जी को पूछ के आपको बताता हूँ फिर श्री जी ने हुक्म किया कि नहीं अंदर आने दो जब अंदर आए बाद में जब चर्चा सुनी तो कतेब में भी हमारी साक्षी आए तब बताया कि हे छत्रसाल ये बीतक कोई और किसी की नहीं है ये बीतक में तेरा नाम है मेरा नाम है मतलब मेहराज जो लीला होने वाली थी उस तन से इंद्रावती के तन से और इतना ही नहीं सतगुरु ने नहीं देवचंद्र जी और सब सुंदर सात की लीलाओं का वर्णन है किसमें बताया ये बीतक का जो प्रमाण किसमें बताया ये कते परंपरा कुरान में भी हमारी साक्षी है तो ये ब्रह्मांड में कैसे आना हुआ तो हमारा जो प्रेम रबद बहुत काल से ये चलता आ रहा था उसमें किसका प्रेम बड़ा है और कौन किसको ज़्यादा रि जाता है क्या बात थी किसका प्रेम बड़ा है और कौन किसको ज्यादा रि जाता है बस परमधाम की पातशाही वहाँ की साहेबी एक पातशाही अरस की और वाहिदत्त का इश्क़ सो देखला ने रोहो को दिल में लिया हक तो धाम धनी ने ये बात दिल में ले ली के परम धाम की जो मेरे दिल की पूर्ण पहचान अंतिम कहे तो दिल की पूर्ण पहचान जो परम धाम में हकीकत के रूप में जो सब पक्ष बने हैं वो हकीकत में राज्य के हितो रूप है लेकिन उसके अंदर धाम धनी के स्वरूप लीला कर रहे थे वो पहचान परमधाम में हमको नहीं थी वो पहचान देने के लिए वो पूर्ण पहचान देने के लिए एक खेल का जो कारण बना तो राज्य के दिल की इच्छा ये महाकारण और दो कारण बने सखियों को जो अक्षर ब्रह्म पल में करोड़ ब्रह्मांड नैन के पावे पल में इशारत कई कोट ब्रह्मांड उपजत खवत और, और अक्षर ब्रह्म को अक्षरातीत के माहौल में प्रेम इस बरतत सो सुद अक्षर को नहीं जो किन्द के करत निस्दिन माहौल में साथ श्यामा जी श्याम याद करो सुख सबो अंगो जो करते आठो जाम ये पहचान देनी थी अक्षर ब्रह्म रोज साढ़े सात बजे से नौ बजे के बीच में चांदनी चौक से तो दर्शन करके रोज चले जाते थे लेकिन उसको भी पता नहीं था अपने सतंग को भी कि अक्षरातीत के, के माहौल मतलब रंग माहौल में ये प्रेम और आनंद की लीलाए ब्रह्मात्माओं के साथ क्या चल रही है और सखियों को ये पता नहीं था कि राज्य के सिवा और कोई पुरुष है ये ऐसे ब्रह्मांड पल में कई करोड़ों ब्रह्मांड की उत्पत्ति करते है और लय कर देते हैं ये दोनों की इच्छा पूर्ति के लिए ये खेल का कारण बना और इसमें ये खेल के कारण में सुंदरसा जी ये जो छठे दिन की प्रगटे पूर्ण पार ब्रह्म ये ब्रह्म सृष्टि सिरदार चीवर एवं ईश्वरी सब आए करो दीदार सुंदर जी ये धाम धनी को इस ब्रह्मांड में पांच दिन तक की जो लीला हुई और छठे दिन में किसकी लीला होगी हम सब सुंदर अभी चर्चा के माध्यम से ऐसे तो हमारी लीला आज सवा तीन सौ साल से चलती आ रही है ये मैं आगे बताऊंगी लेकिन ये जो कारण बना और धनी ने मूल मिलाव में लेकर गए कहाँ लेकर गए हम सबको वैसे तो लीला पच्चीस पक्ष की चलती थी सुबह से हमारा प्रेम का रब चलता आ रहा तीन बैठकें हुई तीन बेर मना किए तब अब मांगिया फेर फेर और फेर और अंतिम जब मूल मिलावे में अपने चरणों में बिठा कर सुरता के रूप में एक आत्मा के रूप में इस ब्रह्मांड में ये नस्वर तन सबसे पहले हमने ब्रजमंडल में धारण किए सुन्दरसाद जी इतनी बात आगे से मैंने इतने ली धाम धनी ने अभी अभी अंदर से बस ये विचार आया कि पूरी का घटनाक्रम आपको ये अंतिम दिन समझ में आ जाए ठीक है समझ में आ रहा है कि बीतक कोई और किसी की नहीं है हम हर साल आज सवा तीन सौ साल से हर पूरी मंदिर आश्रम हर स्थानों में हमारी बित्तक हम सुनते आ रहे हम सोचते ये जयराम भाई का प्रसंग है हम सोचते ये चिंतामणि का है हम सोचते ये मुकुंददास जी का है लेकिन ये बित्त किसकी है हम सबकी है हम सब, सब वही लीला में शामिल है तो हम सबसे पहले प्रथम दिन ये कुरान में भी छः दिन की साक्षियाँ लिखी और वेद पक्ष में भी लिखी तो छः दिन में कुरान में भी लिखी और वेद पक्ष में लिखी तो सबसे पहला दिन क्या है ब्रज का दिन ब्रज में हम गोपिका के तन में शुरता रूप में हम आए और कृष्ण जी के तन में शिराज जी के आवेश जो उसके साथ और अक्षर के आत्म आई और दूसरा दिन यह लीला ग्यारह साल और बावन दिन दिख की रही उसके बाद क्योंकि पहले ही चौपाई हमारे दूसरे प्रकरण की प्रथम चौपाई में बताया अब फेर के कहूँ मूल मिलावे की बीतक जैसी आज्ञा धनी की सो बातें हैं बुजुर्ग तो सबसे प्रथम ब्रज में आए वहां ग्यारह साल बावन दिन की लीला के बाद हम रास में गए कैसे हमने तन छोड़े सुंदर साची गौपद वस्त संसार हमने कर दिए जैसे एक बांस की बांसुरी बजी और हम सीधे ही बस जो भी हाल में वेण सुनी वल्लभ मी वल्लभ की तत्काल हम निकल गई ने कोई बच्चों को संपान करा रही थी कोई गाय को दोहन कर रही थी कोई पति को लो लोटे से जल से नहला रही थी कोई सास ससुर को खिला रही थी भोजन कुछ कुछ मतलब कोई भी काम कर रही थी वही घड़ी में तत्काल हम निकल पड़ी सुंदर साची वही पल चल रही है वही घड़ी चल रही है अभी वहाँ टाइम नहीं बीता है हम जब जगे गए ने मूल तन में दिव्य परम धाम में हमारा जो मूल तन मूल मिलाव में बैठे है वहाँ वही साई चल रही है वहाँ पल भी बीती नहीं है यहाँ कितने टाइम बीत गए ब्रज से लो तो पाँच हजार साल बीत गए ये जागनी ब्रह्मांड की बीत तक लो तो चार सौ अब साल क्योंकि हम सतगुरु धनी देवचंद्र जी के साथ ही हमें आए न हम सुंदर बाई के साथ आए हैं वाले जी तेनी ताल सुंदर बाई सखी तमे लई चालो आवे मामों एकला तो आज चार सौ साल से सुंदरसाजी जी ये लीला चलती आ रही है तो ब्रज के बाद हम रास में गए और रास में एक रात्रि महारास रात्रि का हमने जो रमण किया अनेक रा, रामतों के माध्यम से धाम धनी ने अपने दिल के गंजान गंज इस, प्रेम प्रवाहित किया रामतों के माध्यम से जो पहचान अक्सर ब्रह्म को कहने करानी थी बताया ने दूसरी आरती रास में आई अक्षर मनोरथ पूर्ण कराई तो दूसरी आरती मतलब रास की लीला तीसरी जागनी ब्रह्मांड में हम आए तो हम आए उससे पहले श्री मोहम्मद साहेब इस संसार में आए और मोहम्मद साहब ने कुरान के माध्यम से हमारी साक्षियाँ लिखवाई और इस संसार में तिरसठ साल लीला करके और उस टाइम पे हम नहीं आए थे सुंदर शाह जी संसार में हुक्म के अमल में ना कोई उतरे मोमिन तो हकीकत मार्फत की कौन आगे करे बयान तो हुक्म के अमल में मतलब तीसरे दिन में हम आए नहीं थे तो वानी उतारने की कोई ज़रूरत नहीं थी और हम भी नहीं आए थे तो तिरसठ साल में लीला की और कुरान में साक्ष्य लिखवा पर वापस वो चले गए और उसने साक्ष्य ये लिखवाई कि चौथे दिन में रसूल धरा कदम मतलब मैं फिर ये रूहल्ला के साथ आऊँगा तो बताया नौ सौ नब्बे नौमास रसूल को हुए जब रुहल्ला मिसल गाजियो मोमिन उतरे तब तो चौथे दिन में वो भी साथ में आए अक्षर के आत्म और श्यामा जी की आत्मा के साथ हमारी इस संसार में चौहत्तर साल में एक मास कम रहे इस संसार में लीला हुई सतगुरु धनी देवचंद्र जी के अंदर सुंदर बाई श्यामा जी स्वरूप जुगल स्वरूप की लेकिन चौथे दिन में ये वाणी जाहिर नहीं मतलब ये वाणी अवतरित नहीं हुई क्योंकि ये दूसरे जामे में वाणी उतरनी थी ने तो बताया कि सुंदर बाए देखिया दिल के दी माहे हैं ब्रज रास और धाम की लेकिन झागनी की शुद्ध है ब्रज रास और धाम की बातें तो गांगजी भाई के घर में चाकला मंदिर में हमने सुना भी तक के माध्यम से बहुत बातें हुई वहाँ लीला भी प्रकट होती थी जो सुंदर सा चाहे ब्रज की रास की धाम की लीलाएं वहाँ प्रकट होती थी लेकिन ये वानी उतरी नहीं पांचवें दिन में कौन आई संसार में श्रीजी प्राण नाथ जी क्या तन का आधार लिया उसने श्री मीराज के तन का महामती के धाम दिल में बैठकर पांचवें दिन में ये लीला तो वैसे नौतनपुरी से शुरू हो गई लेकिन हमारी जागनी यात्रा मूल में वास्तव में कहाँ से शुरू हुई दीप बंदर से शुरू हुई दीप बंदर विक्रम सवन सत्रह बाईस से शुरू हो गई सुंदर सा जी समय नहीं है लेकिन मैं पाँचवें दिन की लीला का ये पूरा तक तो अभी हम आगे ये लीला में देखेंगे ही लेकिन पाँचवें दिन की लीला में कई लीला जामनगर में भी हुई बीच में जूनागढ़ भी हुई और जागनी यात्रा की वास्तविक लीला तो हमारी कहाँ से शुरू हुई दीप बंदर से तो सत्रह से श्री जी के साथ जो हमारे सुंदर साथ की जमात का जो कारवा चला दीव बंदर में जयराम भाई कंसारा जिसके अंदर करुणा सखी की वासना थी और वहाँ से जागनी यात्रा की एक झंडे को लेकर और आगे बढ़े तो नबी पोरबंदर पाटन वहाँ से कपई मंडई ओ से ओके भुज और वहाँ से ठट्ठा लाठी मस्कत अबासी फी फिर ठट्ठा फिर वहाँ से सुहाली कोगा से होते हुए हम सूरत में पहुँचे कहाँ पहुँचे हम सूरत में सूरत में जब हम पहुँचे तो 500 की जमात एकत्रित हो गई थी कितने की 500 की जमात और 500 की जमात को सूरत में बताया कि महाजर कहा गया क्या कहा गया उसको जिसने अपने कोई घर में मान लो कि देव से श्री जी निकले कोई घर से एक आत्मा निकली कोई घर से दो परिवार के लोग निकले कोई घर से सह परिवार निकल गए और रोज के लिए सुंदरसा जी हम वितक में आए ने, कोई आज आए कोई कोई दो दिन के लिए आए कोई पाँच दिन के लिए आए एक महीने तक के बीत तक चली ने ये बीत तक सुनने का सिर्फ नहीं ये चलने का है मतलब ये कहने का नहीं है ये प्रैक्टिकल चलने के लिए है बीत तक आज 300 साल की परंपरा में हम सुनते आ रहे हैं मैं इतना ही कहूँगी सुंदर साथ जी कि जो सुंदर साथ आज से 300 साल पहले चले उसने रोज के लिए अपने घर परिवार से विदा ले ली रोज के लिए अंतिम प्रणाम कर दिया आज हम दो घंटे के लिए ये तक सुनने के लिए आना होता तो भी हम कितने बहाने हमारे पास होते ठीक है उसको देख के इसलिए धामधनी ने वाणी में बताया कि महामती कहे मोमिनो देखो इनके कदम इनको देख के जगा वो अपनी आत्म बोलिए श्री प्राणनाथ क्या बताया महामती कहे मोमिनो देखो इनके कदम इनको देख के जगाओ अपनी आत्म ये कोई किस्सा कहानियाँ नहीं है हम हर साल सुनते आ रहे हैं ये लालदासी कैसे जगे ये चिंतामणि कैसे जगे ये वो कैसे जगे तो हम हमारे अपने को तोले हम अपने को सजा दे हम अपने को पूछे कि हम इतने सालों से अभी तक सुनते आ रहे हैं तो हम किस राह पर चल रहे है? और हमारे अंदर इतने अंतिम मान लो एक दो साल से हम सुनते आ रहे तो हम अपने को पूछे कि दो सालों में हमारे जीवन में कितना परिवर्तन आया हम क्या लालदासी चले वैसी राह पर हम चल पड़े क्या भले घर परिवार तो नहीं छोड़ना है ठीक है ये नहीं छोड़ना है दो घंटे के लिए बस धन के चरणों में आना है तो ये बताया कि इनको देख के जगाओ अपनी आत्म तो ये जो पाँच का कारवा जब सूरत में सुंदर साथ एकत्रित हुए उसने रोज के लिए हर अमेश के लिए विदा ले ली अंतिम प्रणाम कर दिए उसको क्या कहा गया वाणी में भित्त साहब महाजर क्या कहा गया महाजर और वहां से ऐसा नहीं सुंदर साधजी वेदांत के आचार्य भीम भट श्याम भट निकल पड़े हमारे पास तो क्या ये ज्ञान तो आ गया लेकिन हमारे पास किस तरह की पहचान है वो तो वेदांत के आचार्य भीम भट श्याम भट्ट भी निकल पड़े वहाँ से गोविंद जी व्यास जो राधा भी मार के अनुयायी वैसे वैसे सूरत से सूरत से तो बहुत से ऐसे सुंदर साथ निकल पड़े और वहाँ से जब हजरत हज ध्यान से सुनना हजरत हज इत करी लेने को मक्का फत्ते करी दज्जाल को कुछ करे दारुल बक्का वहां से हजरत कौन प्राण नाथ जी वहाँ से निकले और मक्का कहा गया जामनगर को मदीना कहा गया सूरत को और वहाँ से निकल पड़े और जब वहाँ से निकले तो अहमदाबाद सूरत से होकर अहमदाबाद और अहमदाबाद से सिद्धपुर मेरता होके हम गोकुल मथुरा होते हुए आगरा से दिल्ली पहुँचे दिल्ली से फिर हम हरिद्वार आए नहीं हरिद्वार से दिल्ली गए और दिल्ली से सुंदर आगे उदयपुर उदयपुर से मंदसौर मंदसौर से आगे उज्जैन उज्जैन से आगे औरंगाबाद औरंगाबाद से आगे रामनगर रामनगर से आगे गड्ढा और गड्ढा से आगे महू सहानिया से होते हुए ये से होते हुए हम विक्रम सवन 1740 में पन्ना पहुंचे कहाँ पहुंचे पन्ना पहुंचे और पन्ना में कितनी जमात एकत्रित तो हो गई थी सुंदर सात की पांच हजार की जमात तो सुंदर सात पाँच हजार की जमात में धामधनी ने वित्तक के माध्यम से पहर में बताया कि इस 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 जमात में जीव सृष्टि के भी जीव थे ईश्वरी सृष्टि भी थी और ब्रह्म सृष्टि भी थी तीन प्रकार के कोई पुष्टता से भक्ति करते थे कोई मर्यादा से करते थे और कोई प्रवासे भी करते थे तो जो पाँच हजार की जमात वहाँ पहुँची विक्रम सन सत्रह में और वहाँ पहुँचने के बाद हमारी दस साल की लीला चली कितने सालों की चली विक्रम सन सत्रह में पहुँचे और पचास तक और इक्यावन में जो अंतर ध्यान लीला होती है उससे पहले अभी हम ये प्रकरण को जोड़ दें उससे पहले क्या हुआ तो धामधनी आप बता रहे हैं कि पांच दिन की लीला पूर्ण करके अंतिम चौपाई में धामधनी ने बताया कि छठे दिन की लीला शुरू हुई छठे दिन की लीला जब शुरू होने वाली है पांचवें दिन की लीला पूर्ण होने वाली है लेकिन हम मूल में जाए तो हमारा जो प्रेम रबद का जो कारण बना था सुंदर सात जी कि किसका प्रेम बड़ा और कौन किसको रिझाता है तो रोग अंदर जल्दी से पैदा तो हो जाते लेकिन उसका उपचार और इलाज और उसके परहेज के लिए कितने समय निकल जाते मैं क्या बात बताने जा रही हूं समझ में आया रोग अंदर पैदा तो जल्दी हो जाते लेकिन उसका उपचार उसकी परहेज और जो इलाज के लिए कितने दिन निकल जाते ठीक होते होते ठीक है तो जो वहाँ से हम इस संसार में आए ब्रजरास और जागनी ब्रह्मांड और चौथे दिन और पांचवें दिन की लीला के बाद सुंदर साथ चलते पड़े उसमें कई सुंदर साथ ऐसे रहे या धाम धनी ने छठे दिन की लीला में बताया के जिन शुद्ध सेवा की नहीं ना कछु समझे बात तो काहे को गिनावे आप साथ में ना शुद्ध सुपन साख्यात क्या बताया जिन शुद्ध सेवा की नहीं किरंतन ग्रंथ के तिरसठ नंबर के प्रकरण में बताया कि वहाँ पांच हजार की जमात पहुँच तो गई मैंने अभी अंतिम बात छोड़ी ने कोई जीव सृष्टि भी थे कोई ईश्वरी सृष्टि भी थे और कोई ब्रह्म सृष्टि भी थे तो उसमें से सबने पहचान नहीं की तो ये किसकी बात है अभी हमारी बात है सुंदर शाह जी किसकी बात है तब तो जो साथ चले वो तो चले लेकिन पिछले सात कारण ये वाणी कही जो चले वो साथ तो चले ये बात में सुंदर शाह जी प्रैक्टिकल वर्तमान के लिए मैं इसलिए बार बार दोहरा कर आपको बता रही हूं कि जिन शुद्ध सेवा की नहीं उस टाइम पे भी वो साथ रहे घर बाहर छोड़ दिया लेकिन वो नहीं घर के रहे नहीं धाम के रहे दोनों और बिगड़ाने नहीं घर के रहे और नहीं धाम के रहे तो वहां क्या किया वो अपनी कोई प्रशंसा करते रहे कोई अपनी महिमा गाते रहे कोई उपली उपली बनावटी बातें करते रहे पाँच हजार की जमात बंगला जी में बैठी है चर्चा भी श्री जी की चल रही है सब समान रूप से सब सुन भी रहे लेकिन अंदर कितना लिया ये प्रकरण पूरा ऐसे ही है कि जिन शुद्ध सेवा की नहीं उसने अपने धाम धनी को दिल से नहीं रिझा पाए अष्टपर में जो सेवा चली उसमें बताया कि बनावटी कोई बातें करते रहे कोई धर्म शास्त्रों की साक्ष्य भी देते रहे लेकिन अपने को दूसरे की जुठी बातें करने से अलग नहीं कर पाए इधर उधर की बातें करने में भी अपने को अलग नहीं कर पाए ये पूरे तिरसठ नंबर के प्रकरण में आप पढ़ लेना आज घर पे जाके बताया है तो ऐसे सुंदर साथ भी उस टाइम पे रहे उसको क्या कहा गया जीव सृष्टि के जीव उसने उस अपने को तो नहीं लिया अपने के लिए तो नहीं लिया अपने आत्म कल्याण के लिए तो कुछ नहीं किया लेकिन दूसरे को भी लेने नहीं दिया कातन आई आईया मीनो मिने रब कर बताया ने कि उसने तो नहीं काता लेकिन दूसरे को भी कातने नहीं दिया वैसे भी वहां सखिया रही और आगे बताया कि जो जो जिन सुंदर साथ ने कैसे सेवा की हम धनी को कैसे रिजाया पूरे भाव से दिल से और सुंदर साह जी रिजा भी कौन सकता है पता है जिसके अंदर समर्पण समर्पण का भाव आ जाता है जिसके अंदर प्रेम आ जाता है जिसको उसको ही धामधनी के चरण कमल प्यारे लगते हैं वो ही रि जा सकते हैं मेहर तो सब पर बर समान बरस रही है लेकिन धाम धनी ऐसा नहीं करेंगे कि एक पर बरसाएंगे मान लो बारिश बरसती है तो हम रास्ते में चलते रहे जाते हैं सुंदर साजी तो ऐसे थोड़ी कि दो पर ही बूंदे गिरेगी और पांच पर नहीं गिरेगी लेकिन हम माया रूपी छाते देंगे, तो हमारे पर बारिश की बूंदे गिरेगी समझ में आया तो बंगला जी दरबार में सब पर मेहर तो समान बरस रही है लेकिन किसने कम लिए किसने ज्यादा और किन कर है रद बताए न शास्त्र जी सुनिए शब्द आखिर किसने ज़्यादा लिए किसने कम लिए और किन डारे रद तो ऐसे सुंदर भी उस टाइम पर रहे बंगला जी दरबार में अष्ट पर बस चर्चा चर्चा की अर्चा चौदह बारिया गाने वाली आती थी हर बस बारी आपते वो एक गा के चली जाती दूसरी बारी का नंबर लगता वो आती श्री जी सुनते थे बस शयन के टाइम पे भी सुनते लेकिन वो नींद आती नहीं थी ऐसे बंगला जी दरबार में सो रहते थे ऐसी लीला सुंदरसा जी हमारी दस साल तक चलती रही और दस साल के बाद धामधनी ने बताया कि दिन आठों पहर की कई बीरत जोए नित कारखाने कारखाने सेवी कऊ साथी सब सेवन के दिन आठों पहर की कही बीरत जो है हे सुंदर शाह जी मैंने तुमको अगले जो आठ पहर में जो जो सुंदर साथ ने सेवा की किस भाव से धाम धनी को रिजाया जो परम धाम में हम धाम धनी को कैसे रिजाते थे अष्ट पहर उस भाव में धाम धनी को बस आठ पहर पहसठ गढ़िया जो रिजाते रहे और ये रिझाने की सेवा मैंने अभी पहले ही प्रक्र चर्चा में आपको बता दी और रिझाते रिझाते जब 1750 पूर्ण हुआ और सत्रह में इक्यावन में अषाढ़ त्रीज पूर्ण हुई और जब चतुर्थी का दिन आया सुबह दो घड़ी रात बाकी थी फरिश्ता आया धाम से मतलब सवा पाँच बजे थे चतुर्थी के दिन के सुबह का तब धामधनी ने प्रत्यक्ष लीला को सुंदर सात के बीच में से छिपा लिया क्या किया प्रत्यक्ष लीला को सुंदर सात के बीच से छिपा लिया और परोक्ष रूप से हमारे सब सुंदर सात के दिल में धामधनी धाम, धाम बनाकर बैठ गए इसलिए श्रृंगार ग्रंथ के दूसरे नंबर के प्रकरण में बताया कि अब हुक में द्वारा खोलिया लिया अपने हाथ हुकम मोमिन दिल आई के और कर बैठे खसम तो बातुनी रूप में सब सुंदर सात के धाम दिल में बैठ गए और जाहिर रूप में अपनी लीला छिपा कर हो गुम्मर जी दरबार में नीचे तय खाने में जुल्ले पर नूरी स्वरूप से विराजमान हुए और जो छत्रसाल जी महाराज जी को कहिया एक महाराज जी में देख तू एक तुमको तीस वास्ते सेवा साथ की सोम चलते हम साथ सोपिया श्री राज को वास्ते सैयन के सुख काज अब सुरत फिरी हम धाम की कहाँ क्या, क्या बोला श्री जी ने कि भाई चाहर में है महाराजा छत्रसाल मैं आपको ये सुंदर साथ की जागनी की सेवा का उत्तरदायित्व में दे रहा हूँ और बातुनी में मैं सब सुंदर साथ के धाम दिल में बैठकर ही लीला करूँगा अब हुक्म द्वारा खोलिया उसमें बताया ने कि जो पाँच दिन तक जो शोभा दी थी धाम धनी ने ये हुक्म अपने हाथ में ले लिया और सब सुंदर साथ के लिए छठे दिन में ये प्रेम का द्वार खोल दिया सब के लिए प्रेम का दरवाजा इसलिए तो बताया या सो महामती प्रेम ले तोलती तीन सो धाम दरवाजा खोलती सैया जाने धाम में पेठिया ये तो घरी में जाग के बैठिया तो छत्र साल को ये सेवा ये छठे दिन शुरू हो गया ठीक है पांचवें दिन के लीला के बाद हमारा किसका दिन है सुंदर साथ जी ये हमारा दिन है छठा तो तीन स, सवा तीन सौ साल पहले ये छठे दिन में छत्रसाल जी महाराज को ये सेवा सौंप गई सौंपी दी गई और लालदासी महाराज को क्या बोला तुमको जो ये घटनाक्रम कहाँ से जो मैंने पहले से पहले बता दिया अनादि काल से चलती आ रही मूल मिलावे से लेकर परमधाम की लीला से लेकर <coughs> ये सात में दिल में जो अखंड योग माया ब्रह्मांड में लीला अखंड होगी जब अक्सर की नींद खुलेगी सपना टूटेगा तब ये विस्त में जो अखंड होगी ये लीला और हम सब मूल तन में जगेगी तो वहाँ तक की तक घटना में घटनाक्रम लिखा कहाँ तक का वहाँ तक का सात में दिन तक का तब लाल दासी ने बोला कि हे धामधनी हे श्री जी प्राणनाथ मैं कैसे लिखूँ तो बोला कि भाई तुमको थोड़ी ये तक लिखनी है मैं स्वयं आपके धाम दिल में बैठकर मैं लिखूँगा आपको ये तक नहीं लिखनी है तो ये पांचों शक्तियाँ सिराज जी को जोश आत्म भाई महामत सुंदर साजी ये पांचों शक्तियाँ किसके धाम दिल में बैठ गई लालदासी के धाम दिल में आसबाई के धाम दिल में बैठकर ये पूरे घटनाक्रम का वर्णन लिखवाया और उसके बाद अंतिम या चौपाई में जब हम प्रणाम करेंगे तब ये ले गए लेकिन यहाँ क्या बताया कि छठे दिन में आठों पहर की क्या तो के आठों पहर में बंगला जी दरबार में सुंदर साथ ने अपने अपने भावों से जो धामधनी की पूर्ण पहचान कर कर परमधाम के भावों से जो रिजाया और नित कारखाने सेवी कौसाथी सब सेवन के उसके बाद जो लालदास जी को सेवा सौंपी गई क्या सेवा सौंप गई जो 36 विभाग की अलग अलग सेवा जो चल रही थी वो सब सेवा लालदास जी को लेकिन यहाँ पहले गरीबदास जी को दी गई है किसको दे गई है सबसे पहले गरीबदास गरीबदास कौन थे सुंदर शाह जी सूरत के हमारे नागजी भाई जिसको खिताब मिला था गरीबदास का और खान सामा खिताब जो गरीबदास का मिला था ना उसको वो सब सेवा संभालते थे कौन गरीब दासनाग जी भाई उसके बाद किसको दे गई बार बार गरीबदास विनती कर रहे बार बार अपने प्रार्थना के भरे मतलब अपने स्वरों में प्रार्थना कर रहे कि नहीं हे धाम धनी ये सेवा मेरे से संभाली नहीं जा रही है तो आप ऐसा करो ने किसी और को दे दीजिए तो बार बार वो विनंती भरे स्वरों में प्रार्थना करते थे तो ये सेवा गड्ढे से वृंदावन दासीपो को दे गई लालदासी ने संभाली लेकिन क्या कारण बना ये मैं आगे बताऊंगी ठीक है तो वहाँ से फिर वृंदावन दास को ये सेवा दी गई फिर लालदासी को बोल रहे लेकिन लालदासी को हुक्म हुआ क्या हुक्म हुआ कि लालदासी कुरान में एक फाल निकला ठीक है और हुक्म हुआ कि नहीं अब तुम औरंगजेब बादशाह को एक संदेश देकर आओ जाओ तो औरंगजेब बादशाह को संदेश देने के लिए लालदासी गए लेकिन कुरान के अंदर फाल निकला क्या निकला कि भाई अब मुसा को कौन मिलने वाले हैं हारून मिलने वाले हैं तो अभी जाना नहीं है सुंदर साहद जी तो यहाँ जब ये फाल निकला तो फिर लालदासी को वापस बुलाया गया और ये लालदासी वहाँ से फिर आए और ये हमने बीतक में अंतिम में भी सुना होगा शायद तीन दिन तो मैंने बीतक नहीं लिए उसमें बताया कि देवकरण को संदेश देने के लिए वहाँ रामनगर किसको भेजा गया तो संत दास और धर्मदास को भेजा गया ठीक है और छत्रसाल को महू सहानिया में संदेश देने के लिए किसको भेजा गया तो लालदासी, उत्तमदासी, उत्तम दासी, जीवन दासी और गोविंद ये चारों सुंदर सात को मऊ सहानिया में भेजे गए और दो सुंदर सात को देवकरण जी के वहाँ भेजे गए तो देवकरण जी माध्यम से संदेश तो छत्रसाल को पहुँच गए थे क्योंकि सूरज सिंह जी ने बता दिए थे कि तुम्हारे चाचा जो राह दिख रहे बारह बारह साल से निष्कलंक बुद्ध स्वरूप के जो सिक्के और लॉकेट पहनते थे ना गले में तो वो आ गए इसलिए मैंने बताया ना प्रगटे पूरण पार ब्रह्म है ब्रह्म सृष्टि सिरदार जीव और ईश्वरी सृष्टि सब आए करो दीदार तो ऐसे हमारे धाम धनी अक्षरातीत की जो संदेश वहाँ पहुँच गए थे इतने में लालदासी भी वहाँ पहुंचे तो लालदासी जी ने भी भागवत के वचनों से छत्रसाल को समझाया और हमको पता है कि देवकर्ण जी ने यह भी बोला बल दीवान का चाचा को कि भाई कदाचित औरंगजेब बादशाह के सामने लड़ने के लिए भी जाना पड़ेगा आप डरना नहीं है ये ठीक है तो वहाँ छत्रसाल जी को भी सुंदर सा जी संदेश दे गए और वहाँ से जब श्री जी फिर पन्ना पहुँचते हैं और यहाँ लालदासी फिर क्या सेवा संभालते हैं फिर छत्तीस विभाग की सेवा संभालते हैं चाहे अनाज की हो चाहे आ, कपड़े लत्ते की कपड़े की हो बर्तन की हो वस्त्र और आभूषणों की हो जो भी सेवा हो सबसे वो अग्रणी सेवा है वो सुंदरसा जी बायजूराज की लालदासी सिंह यहाँ बायजूराज को पूछ पूछ के सेवा करते थे और बोलते थे कि बायजूराज जी आज किस कलर के वस्त्र रंगीन वस्त्र पहनने मतलब किस रंग के वस्त्र पहनने हैं क्या आभूषण आपको आज धारण करना है तो लालदासी छत्तीस विभाग की अलग अलग और ऐसा नहीं कि छत्तीस विभाग में अलग अलग में वो जाते थे लेकिन उसके निर्देशन में उसके निर्देशन में छत्तीस विभाग की अलग अलग सेवा होती थी और अंतिम में धामधनी ने बताया कि छत्तीस अलग अलग विभाग की सेवा में भी श्री जी से एक पल सुनना मेरी बात हम बोलते ना कि हमारे घर में बहुत काम रहते क्या करे धामधनी के पास बैठने का समय नहीं मिलता चितवनी कैसे करे वानी कैसे बढ़े ये सुंदर साथ को देख के जगाओ अपनी क्या बताया लालदास जी का लालदास जी के धाम दिल में बैठकर स्वयं धामधनी बता रहे वो लिख रहे कौन आसबाई भाई महामती जी और यहाँ बताइए कि सेवा संभालते संभालते भी एक पल श्री जी से वो अलग नहीं रहते थे जो भी चाहे बता श्री जी भी बोलते लालदास आसबाई बाई बुजुर्ग बाई क्या बोलते थे श्री जी जी में आज देखो बुजुर्ग बाई आई है लालदास लाल, लाल तो देख आज उसके वस्त्र फटे हुए हैं उसके वस्त्र दे दे तू देख आज उसका खाने पीने की इतना नहीं कोई मान लो औषधि की हरड़े की है पीपर की कोई भी जरूरत कोई सुई की धागे की जरूरत पड़ जाए तो भी लालदास की सब जगह एक पल तो भी अलग नहीं रहते थे और अंतिम बताया कि महामती कहे मोमिनो ये साथी सेवा के कहो केता तजु बहो थे जिन प्यारे चरण धनी के महामति कहे ये सब मोमिनो हे मेरे प्राणदास सुंदर साथ जी या महामति कह रहे कि इतनी सेवा जो सुंदर साथ ने की जिन या बताया ने मैंने के मुख से सेवा तुमने सु हो तो अंतर आडो टाल अनेक विध सेवा तनी तुमने उपज से काल सेवा के लिए बोलना नहीं पड़ता सेवा का भाव किसके अंदर आएगा सुंदर साथ जी जिसके अंदर समर्पण है अंदर नम्रता है झुकाव है जिसके अंदर प्रेम है वही सेवा करेगा यहाँ लालदासी महाराज ने बताया महामती जी ने कि ये साथी सेवा के जो मैंने अभी बहुत सुंदर साथ के नाम लिखे सेवा के ठीक है लेकिन है तो बहुत लेकिन ये झूठी जुबान जूठे तन से ये मैं वर्णन नहीं कर सकूंगा ये सेवा के नाम तो कहाँ ले जाएंगे बोलिए सुंदर सा जी कहाँ ले जाएंगे परम धाम में बोलिए श्री प्राणनाथ क्योंकि ये अखंड की बात है ये हमारे मोमिन जो परमंश ब्रह्म मुनियों ने जो पहचान की है उसकी सिफत उसकी प्रशंसा इस झूठी जुबान इस झूठे तन से नहीं हो पाएगा तो नहीं हो पाएगी उसकी सिफत तो सुंदर सा जी उसके नाम तो मैं उस तैंतालीस सौ चौपाइयों में मैं लिख दिया ना अभी तक लेकिन ग्रंथों के ग्रंथ भर जाए ने तो भी ये जुबान यहाँ की ये बॉडी भी शरीर भी यहाँ का ये अंतस्करण यहाँ का मैं लिख नहीं पाऊँगा कहो केता अचू बहुत है बहुत सुंदर साथ ने सेवा की लेकिन मैंने प्रमुख प्रमुखिया जो जो सुंदर साथ का धाम धनी ने हुक्म किया उतने सुंदर साथ की सेवा का मैंने लिखा जिन्हें प्यारे चरण धनी के क्या बताया जिनको धाम धनी के चरण प्यारे है उस चरणों से जिसको लगाव है उस चरणों में जिसकी सुरता है उस चरणों में जो रूट डूबी हुई है वही सेवा कर सकता है बाकी तो हम चाहे ने। हम यहाँ आए हैं ना सुबह से हम सोच ले कि ठीक है मैं आधे घंटे पहले पहुंच जाए थोड़ा मंदिर का निपटा ले या गद्दे की थोड़ी कुछ सेवा कर ले यह सेवा मैं बंगला जी की सिर्फ नहीं बता रही हूँ मैं प्रैक्टिकल की भी बात कर रही हूँ कि चलो थोड़ी देर किचन में चले जाए सब्जी संवार दे कुछ भी सेवा कर ले ठीक है यही तो सेवा है वहाँ सब सुंदर साहते अलग अलग लेकिन हमारे अंदर अभी ये पहचान बनी नहीं है सुंदर जी यहाँ क्या बताया सेवा तो वो करेगी जिसको धामधनी के चरणों के प्रति प्रेम है उस चरणों में डूबी हुई रूह करेगी और आगे की गर्मी की ऋतु की सेवा में बताया कि सर्दी की ऋतु तो पहले पहर में ले ली तो गर्मी की ऋतु में कौन कौन सुंदर साथ ने सेवा की तो धाम बता रहे कि गर्मी की दिनों में सब सेवा में खुशबोई अतर खरीद सब जाते आवे तुंग भरे गुलाब के सोई क्या बताया धाम धनी ने तब ये जो अभी का बंगला जी है ना ये तभी सीमेंट रेती का कपची वो वाला तभी बंगला जी नहीं था तभी कैसे था घास पुस का जो ये लकड़ी जंगल में काटी जाती थी जो पूर्वीय के सुंदर साथ अभी आए गए आगे चौपाई में तो साथ जंगल से लकड़ी काट के लाते थे उसको समारते थे और ये पटिया जो फलिया वो काटते थे ना वो सीधी बनाते थे और उससे दीवारें बनाई थी किससे बनाई थी दीवारें वो लकड़ी की दीवारें वैसे घास मुस्का और उसकी छाते भी उसकी ही बनाई थी अभी का बंगला जी वो तभी नहीं था हाँ गुम्मर जी जी के हाजिर में ही बन गया था लेकिन बंगला जी बना नहीं था तो गर्मी की ऋतु में ऐसी सुविधा जो अब की है ना वो सुविधा उस टाइम पे इलेक्ट्रिक की सुविधा उस टाइम पे नहीं थी तब तो कुदरती हवाएं जब बहती थी तो क्या होता था तो यहाँ बताया कि पूरे बंगला जी दरबार में जो गर्मी के दिनों में पूरे बंगला जी को शीतल और सुगंधित बनाते थे तो उसकी सेवा कौन करते थे तो यहाँ बताया कि सुगंधित और शीतल बनाने के लिए अति अतर खरीदने की इत्र खरीदने की सेवा भरे गुलाब के और इतना नहीं जब ये दीवार में नीचे या आसपास में गर्मी ना फरके ने गर्मी अंदर ना आए ठंडी ठंडी हवाई बहे इस इसलिए वहाँ जो गुलाब के बड़े बड़े मटके भर के लाते थे सुंदर सात और उसमें गुलाब जल डाल देते थे और उसका लोटे से जल के छिड़काव करते थे और छिड़काव से पूरा बंगला जी चरबतर रहता था ठंडा रहता था और उससे सुंदर सात को गर्मी नहीं होती थी तो वो सेवा कौन करते थे अगर खसखाना करे सेवा गंगाराम कौन करते से सुंदर साथ जी ये गंगाराम कहाँ का है रहने वाला दिल्ली बताया था ना गंगाराम भाई की दुकान से ठीक है जब गोवर्धन भाई आए वहां से अटक से तो कहाँ ठहरे थे, थे वो ये सुंदर साथ को याद करो सुंदर साहद जी उसका सिर तक नहीं सुनना वो मोमिनों का नाम लेते ही हम पवित्र बन जाते बोलिए सी प्राणनाथ धामधनी ने चौपाई बताई है तक साहिब में उन मोमिनों का नाम लेते ही हम पवित्र नहीं हमारी सुरता अखंड में पहुंच जाएगी इन मोमिनों का नाम लेते ही वो मोमिनों को कितनी बड़ी शोभा मिली है ये गंगा राम के इत्र की सेवा रहती थी और इतना ही नहीं खस खाना बना टटिया अपने हाथ छप्पर ये मैंने सब सेवा का आपको बता दिया और आगे बताया उसमें फतेह मोहम्मद आया था नाम औरंगाबाद में हमने सब ने ये सब का नाम सुना ये भी खड़ा रहता था ये टटिया बनाने में चीके बनाने में छप्पर बनाने में सब सुंदर साथ की अलग अलग कोई मटके भरने कोई जल छिड़कने की नंदलाल पखा ले जल से तो ये नंदलाल पखा लेकर मतलब ये लोटे लेकर जल पखालते थे तो जब पहले ये गद्दे उठाए जाते थे फिर नीचे जमीन को पूरी भिगोई जाती थी और आगे बताया के लाल खारवा चाहिए लियावत नारायण खारवा मतलब लाल रंग का एक कपड़ा एक जो बट, भटिया से जो दीवारें बनाई ने लकड़ी से उसमें कपड़े बांधे जाते थे लाल रंग के ठीक है वो उस वो सेवा किसकी रहती थी नारायण दास की रहती थी इनायत का भगवान गंगाराम सेवे इनमें नहीं बनाए के ठाढ़ी करे पोढ़ते सुभान फिर यहाँ से श्री जी की लीला शुरू हो गई किसलिए वो करते थे अरे जो दीवार हमने ठाढ़ी की वहां और कपड़े बांधे और पानी छिड़काव किए तो उसमें कौन पढ़ेगे हमारे सुभान हमारे प्रियतम प्राणनाथ श्री जी तो दिल में क्या भाव आया ये भाव लेकर हमको कभी भी विचार आया कि हमारे मंदिर में हम गर्मी की ऋतु में कैसे सेवा करें आपको विचार है कि, कि दीदी अभी तो बंगला जी हमारे घर में थोड़ी है हमारे घर में घूम जी थोड़ी है हमारा घर तो पचास सौ बार में हम कैसे राज्य की ऐसा नहीं है ये धामधनी ज्ञानमय स्वरूप में किस में बैठे हैं स्वरूप साहेब के स्वरूप में तो बैठे हैं न मंदिर में तो हमारे दिल में क्या गर्मी सर्दी या बारिश की ऋतु में हम कभी भी ऐसे करते क्या धामधनी के लिए हमारे दिल में कभी भी भाव आया क्या उस टाइम पे तो ठीक हम साथ में थे कदाचित हमने पहचान नहीं की तो आज भी हम खड़े हैं और हम ये लीला में है तो यहाँ धाम धनी ने बताया कि के सुंदर साथ कैसे और अंतिम चरण सुनो आप पौधते सुभान कौन पौधने वाला था वहाँ हमारे सुभान हमारे धनी प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम तो आगर बताया जल छिटकर सब बंगले उठाए सब बिछोने इनायत का भगवान गंगाराम से में तो अभी जो मैं सेवा की बात ली ने उसमें गंगाराम भी सामी, सिर्फ इतना ही नहीं लाते थे हम क्या सोचते कि मैंने एक सेवा तो कर ली ठीक है वो गुलाब जल की सेवा दूसरे करेंगे तीसरे कोई पानी का मटका मैं वहां से मैं तो नहीं उठा पाऊंगी हम ये सोचते ने ऐसा नहीं एक सुंदर साथ सब सेवा में भी रहते थे एक सुंदर साथ और सेवा में भी नंद राम पखाले मंगावत आखर वल्लभी चिरकत तर करे जिमी को गर्मी ना और नंदलाम भाई वल्लभ भाई ये सब सेवा में वाह वो ढोले फिर श्री जी की सेवा चलती रहेगी पच्चीस सौ पाई तक क्या बताया श्री जी जब पोड़ देने बंगला जी में दोपहर या शाम को तो तब ये पंखे नहीं थे लेकिन कैसे पंखे जुलाते थे हाथ वाले जो पंखे आते न बना के ये पंखे डुलाते थे और सी जी जब तक ना पोढ़े ने पोड़ते तो नहीं थे हमने आठवें पहर में शायद लीला सुनी होगी आपने सब ने कि सी जी जब बेर पर अबेर भई दो बजे हो जाते थे कई बार डोड से और अब समय हो जाते थे वहाँ जयंती का अर्जी करते थे बाइजूराज जी आते थे सुंदर साज जी वहाँ सी जी पोड़ते नहीं थे वहाँ वहाँ से तो उठे से चर्चा से तो लेकिन अपने जब पलंग पे सोते सोते भी वो बारिया जब आती थी उसकी गायन भी सुनते रहते थे और जो सुंदर साथ जयंती काका की कोठरी के पास चर्चा करते थे उसको गले में माला भी वहाँ भेजते थे कि अभी रात को दो तीन बजने वहाँ कौन बैठे हैं जाओ कई बार बीस तीस पचास अस्सी कई बार तो सौ से अब सुंदर साथ बैठते थे हम तो यहाँ कई बार पंद्रह मिनट लेट हो जाए तो बोले अरे कितनी देर हो गई घंटे हो गए चर्चा सुनते सुनते वो छे बजे से बैठे हैं ठीक है हैं आरती सब कुछ खत्म हो गया ठीक है चलो नौ बजे से ले लो नौ बजे से ले लो ये पोहर से नौ से लेकर दो बजने वाले हैं दो बजे के बाद भी सुबह मुलिधदास भाई स्वरूप बोलने के लिए आएंगे तब तक ये तो चलती रही है चर्चा वहां कोई सोते नहीं है उसमें कौन शामिल थे हम तो शायद नहीं थे मैं तो अपने को नहीं मानती क्योंकि हम होते ना तो आज यहाँ नहीं बैठे बोले सी प्राणनाथ हम तभी होते तो आज यहाँ नहीं बैठे होते ठीक है तो यहाँ धामधनी बता रहे हैं कि जो सुंदर साथ वहाँ सेवा में लगे थे ये सुंदर साथ का शंकर हाथ में रहते हमेशाई विजने देखो एक सुंदर साथ तो फिर आत यहाँ का है ना पंचमा का ये शरीर है भाई ठीक है तो थक जाते फिर शंकर भाई ऐसा नहीं कि बुलाने पड़ता मतलब लो मैं थक गया भाई जल्दी आ ऐसा नहीं करने पड़ता पीछे ही खड़े है समझ में आया सेवा में सेवा करनी तो किस भाव से करनी पीछे ही खड़े है कि जल्दी से वो मेरे को ये पंखे दे दे और मैं भी ढुला लू है? कैसे फिर उसके पीछे तीसरे खड़े हैं तो ये सबका नाम बताया उसमें चार मुख्य थे कौन कौन ये भी बताया सुंदरशा जी गंगा दास गंगाराम बिहारी दास और संतदास चलो ठीक है हम सेवा तो ना कर सके चार का नाम तो याद रखेंगे बोलिए गंगा दास गंगाराम बिहारी दास और संतदास ये चार का नाम याद करेंगे ना तो भी हमारी सेवा वहाँ पहुंच जाएगी कि नहीं हम भी बंगला जी दरबार में ये ब्रह्म मुनियों के अंदर हम थे तो यहाँ बताया कि ये चारों सुंदर साथ बस लगातार रहते थे कोई तो आए बारी पूरी हो गई चले गए दूसरे आए तीसरे आए लेकिन ये चार तो अखंड रूप से सेवा में ये सेवा और आगे बताइए इन सेवा में ने पहले रहते निर्मल दास पहले कौन रहते थे निर्मल दास था पीछे प्रेमदास ने सेवा करी जो खास इसके प्रेमदास ऐसा नहीं प्रेमदास बस जब ने पहले पोहर में आया होगा ना बिछाते थे, थे ना उसमें प्रेमदास फिर आ, कोई कोई दिन हाँ नाथा जोशी भी करते थे ये चीज बिछाने की सेवा तो प्रेमदास ये मोजे पहनने की सेवा जूते पहना श्रीजी के चरण पादू का पहनाने की सेवा सब सेवा में प्रेमदास की सेवा रहती थी वैसे वैसे तो और मुकुंदास रहे थे निर्मल दास के संग कई बार लालदासी मुकुंदासी भी संग रहते थे जमुना माने कि इन समय रहे रजूर सेवा में देखो रात्रि में स्वरूप दे सुंदर साथ वाणी में क्या बोला स्वरूप दे सुंदर साथ मतलब महिला सुंदर साध भी वहाँ कोई भेदभाव रहा कि ये महिला है ये पुरुष वर्ग है मतलब आदमी है या महिला है वहाँ वाहदत के एक भाव में सब रंग गए थे कैसे वाहिदत के एक भाव में सब रंग गए थे रात्रि की सेवा आप नहीं मानोगे सोच क्रियाओं के टाइम पे भी सुन्दरसाद जी जा देह क्रिया के टाइम पे श्री जी जाते थे ना देह क्रिया के लिए तो वहाँ चंद्रवा बांधने के टाइम पे भी वहाँ भी महिला सुंदर साहद सेवा में रहते हैं कैसे सेवा की है यहाँ जमुना माने कि इन समय रहे अजू सेवा में रामबाई आखिर में आखिर ये रामबाई ने संभाला हकीकत खा बेजते गुलाब के शीशे ये गुलाब के शीशे कौन भेजते थे हकीकत खा बेचते थे छीर कते सब सेज पर गंगाराम इन समय गंगाराम भी साथ में रहते थे मीही वस्त्र पहन के प्रेम दास ले आए सीजी जी के पतले पतले जो मीहीन गर्मी की ऋतु है ना तब ये कौन लाते थे देखो प्रेमदास की कितनी बड़ी सेवा है कितनी सेवा में प्रेमदास शामिल है और आगे बताया आई फिर बल्लभ पास यहाँ में सब सेवा को बोझ बहुत मेहनत इन करी सब सेवा की खोज अंतिम में ये दास के पास आ गई माव जी भाई इन समय आए पोरबंदर से सेवा अनार रख मावजी भाई कौन थे सुंदर साथ जी मैं ये सब सुंदर साथ को क्यों याद दिला रही हूँ क्योंकि हमको याद आ जाए ने कि अभी तक हमने सुन ली है ये माऊजी भाई मस्कत वाले उस टाइम पे पोरबंदर से आए वो क्या रखते थे तो पत्री भी लिखते थे और शाही भी जिसको शाही वो जब बंगला जी दरबार में ऐसे घूमते ना तो बोले चलो बुधसेन भाई शाही ले लो शाही ले लो बोलते थे ने तो बंगला जी में भी ये माहूजी भाई के पास साय रहती थी और पत्री भी लिखते थे और साथ में बताया कि सेना अना राखी और पत्री लिखने की आश इन समय लागते चरण श्री राज कर बुलावत प्रसन्न हो के मन आसभा इन समय इन समय श्री लालदासी के अंदर बैठी हुई परमधाम की आश लागते चरण ये सब सेवा संभालते होते हुए भी ताम धनी के चरणों से एक पल भी जुदा नहीं होते थे और आके चरणों में प्रणाम करते थे सिराज हेत कर बुलावत ताम धनी आस बाई को इतना प्यार से बुलाते थे इतना लाड से बुलाते थे लाडलिया लाहूत की जाकी असल चौथे आसमान बड़ी बड़ाई इनकी जाकी सिफत करे शुभान प्रसन्न खुश हो के मन सुंदर इतना खुश हो होके बुलाते थे और लाड से बुलाते थे महामती कहे ये सयन को ये सेवा के कहे साथ यहाँ ते ही खड़े रहे जाको धनिये पकड़े हाथ जा पकड़े, पकड़े, महामती कहे सयन को यहाँ महामती के रहे, मेरे लाडले प्राणधार सुंदर साथ जी ये सेवा के कहे में साथ अब ये तैतालीसो सतहत्तर चौपाई तक जो जो सुंदर सात के मैंने नाम लिए और कोई नाम बाकी भी रह गए तो आप मान लेना कि वो सुंदर सात के अंदर उसका नाम आ गया ठीक है एक एक ब्रह्मात्मा के अंदर कई ब्रह्मात्मा के नाम आ गए एक एक मोमिन के अंदर हजारों ब्रह्मात्माएं समाई गई तो आप ऐसा मत लग मतलब मानना कि मेरा नाम तो आया नहीं हम कई बार सु, सुनते न सोचते न कि देखो ना आज मेरी रसोई थी लेकिन मेरा नाम तो आउट नहीं किया चंदन में मेरा नाम तो आउट नहीं किया ठीक है आज मैंने ये सेवा की यहाँ तो मेरा नाम कोई बोला नहीं किया यहाँ जी महाराज ने क्या बताया कि ये सेवा के कहे साथ भले मैंने जितने नाम ये यहाँ सीमित ये बित्त साहेब में जो मैंने नाम लिखे लेकिन और आगे बताया यहाँ ही खड़े रहे लेकिन जिसके नाम नहीं आए ने वो भी मान लो कि इसके अंदर तुम्हारा भी नाम आ गया और जो जो सुंदर साथ के नाम लिखे गए उस मोमिनों को याद करो कि कैसे चले एणे पगले आप चालिए चलो पगला एरे प्रमाण सुंदर साथ जी और यहाँते ही खड़े रहे कहाँते ही अपनी अंतिम श्वास तक बंगला जी दरबार में ये निभाई अष्टपहर नहीं जहाँ से निकले अपने घर से और वहाँ अंतिम स्वास्थ्य सेवा निभाई जाके धनिए पकड़े हाथ ये सेवा कौन कर सकता है धाम धनी की मेहर तो समान रूप से सब पर बरस रही है लेकिन जिस पर विशेष बरस थी और धामधनी जिसको इस किचड़ रूपी खेल से निकाल कर अपना हाथ पकड़ते हैं और उस पर अपना वरद हस्त रखते हैं ये है धाम धनी की सेवा कर सकते हैं इतना कहकर या वाणी को विराम और चोपाई दो और चौपाई दोहराइए महामती कहे सयन को, को। सेवा के कहे साथ यहाँ ते ही खड़े रहे यहाँ ही खड़े रहे जाको धनिये पकड़े हाथ जाको धनिये पकड़े हाथ बोले प्राणनाथ प्यारे की